दोस्तों स्टेज पर ये दोनों जो लोग बैठे हैं और मेरे सामने भी कई सारे बैठे हैं, इन सब के सामने मैं क्या है? मतलब केवल कुछ भी नहीं हूँ। एक हफ्ता 10 दिन का मेरा यहाँ का सफ़र रहा है और काफ़ी रोमांचकारी रहा है, इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ। अब रोमांच को आप जिस तरह समझना चाहे समझ सकते हैं, वैसे यहाँ पर खड़े रह के मैं अगले आधा घंटा मुझे किस लेवल पर और किस किस तरह से ट्रोल किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है, इन सारी चीज़ों पे रो रो के आंसू बहा बहा के सिंपति हासिल कर सकती हूँ और जैसा कि हार्दिक जी ने कहा वोट भी मांग सकती हूँ, लेकिन रो रो के राजनीति करने वाली पक्ष से मैं हूँ नहीं, इसलिए मैं वो करूँगी नहीं। अपनी अहिंसा, अपने अंदर का विश्वास, अपनी सच्चाई के बलबूते पर चलने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपने 11 बरस जेल में डालकर हमको फिर भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे पंचतंत्र पंच रत्न दिए, वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने तपते हुए जलते हुए देश को इकट्ठा किया, अखंडित किया और हमारे देश को हमारे हाथ में सौंपा, और इन महान पुरुषों के साथ वो जिन्होंने हमारे इस संविधान को बनाया, इस दुनिया के कई कई संविधानों को 2 से ज्यादा बरस उसे समझ के उसका सही तरह से स्टडी करके हमारे तरह का हमारे सब लोगों को समाविष्ट करने वाला हमें संविधान दिया, ऐसे बाबा साहेब अंबेडकर साहब के देश से मैं हूँ। और इस देश के लोग इस तरह रो रो के भीख नहीं मांगते, वो अपने बलबूते पे, अपने कर्तव्य पे और अपने एक्शन पे अगर चाहते हैं तो आपका साथ चाहते हैं, और वो ही मैं चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ। मैं अभी तक नेता बनी नहीं हूँ तो नेता इस लफ्ज़ से अभी भी परहेज है, लेकिन 25 बरस से ज़्यादा करियर ज़रूर तय कर चुकी हूँ फिल्मों जैसे एक ऐसे बेहतरीन इंडस्ट्री से जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। यह बात अलग है कि उसके ऊपर भी मुझे नीचा दिखाया जाता है क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री की हूँ तो मुझे अकल तो हो नहीं सकती। खैर, जैसे मैंने कहा, बातें करने के लिए जैसे मैंने जब भी मेरा पहला कदम रखा राजनीति में तभी मैंने बात की थी लोकतंत्र की और हमारे देश के संविधान की और उसके अंतर्गत हमें मिले गए हमारे मूलभूत अधिकारों की। दोस्तों आज मैं यहाँ इन सारी चीज़ों की बातें करूँगी नहीं, क्योंकि आज मेरे सामने जो बैठे हैं वो इस देश का सबसे अहम हिस्सा है। संजय निरुपम जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इनके लिए, हमारे युवाओं के लिए ये स्पेशल मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा हमारे देश की सही शक्ति ये हैं। और इसलिए मैं ये भी चाहती हूँ कि ये सारे लोग उस कर्तव्य को समझे कि जो उनके हाथों में है। दोस्तों 2019 का ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये वक्त आया है, ये वक्त है, ये घड़ी है ये तय करने की कि हमें किस तरह का भारत चाहिए, हमें अपने देश को किस तरह लेकर जाना है। मैं आज उन तमाम मुद्दों पे बहुत सारी बातें कह सकती हूँ क्योंकि उन सब की आज कहीं ना कहीं मुझ पे उनकी तकलीफ़ों का असर कुछ ना कुछ शायद दिख रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ आज विकास की बात करूँगी क्योंकि जैसा हार्दिक जी ने कहा है, अगर आज सबसे ज़्यादा कोई सफ़र हुआ है तो हमारे देश का युवा हुआ है, और आज सबसे ज़्यादा अगर जवाब कोई चाहता है तो हमारे देश के युवा चाहते हैं। तो मैं उनसे आज यहाँ ये कहना चाहती हूँ, उनकी नेता बनकर नहीं, उनकी साथी बनकर, एक ऐसे घर से आकर कि जो बहुत ही मध्यम वर्गीय घर था, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन होम, अत्यंत साध्या सरळ मध्यम वर्गातून आलेली एक मुलगी आपला खडतर प्रवास करून जेव्हा इतक्या वरपर्यंत यशाच्या पोहोचते तेव्हा सुद्धा तिला हे सगळे प्रश्न विचारले जातात, पण त्या मुलीचं उत्तर हे असतं प्रत्येक युवा करता, प्रत्येक युवका करता, की दुनियेमध्ये तुम्हाला कोणीही सांगू शकत नाही की तुम्हाला कुठे जायचंय। कोई भी इस देश के युवा को कुछ नहीं बता सकता कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सोच रखनी है और किस तरह का भारत बनाना है, उसे किस दिशा में लेकर जाना है, क्योंकि ये देश के युवा वो खुद तय करेंगे और हमें इसका अधिकार हमारे संविधान में दिया है और हम वो किसी के लिए भी
बलिदान नहीं कर सकते। आज ये समझकर इस तरफ अपना कदम उठाने का वक्त आ चुका है, और इसलिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये एक वक्त है, ये घड़ी है, हम सबको उस तरफ बढ़ना है कि जहां से हमें सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें दिखे। भूल जाइए, उठाकर फेंक दीजिए इन सोच को कि जो हमें किसी भी जातीयवाद, किसी भी धर्म, किसी भी और अन्य चीजों से निकाल बाहर फेंके। हमें एक ही एक चीज दिखनी चाहिए, एक सेक्युलर इंडिया और सिर्फ विकास की तरफ बढ़ता हुआ इंडिया। दोस्तों, जिस देश में असंतोष हो, जिस देश में समाज में असंतोष हो, युवाओं के प्रति दुख हो और असंतोष हो, वो देश कभी भी एक विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। और क्योंकि मैं एक महिला हूं, मैं सबसे बड़ी ज्यादा ये बात यहां पर कहना चाहती हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां बच रही है बेटी? और यहां मैं बेटियों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर रही हूं, एक मिनट के लिए उसे भी बाजू रख देते हैं, मैं मूलभूत अधिकार की बात कर रही हूं, मैं उनके आरोग्य की बात कर रही हूं। मैं जहां से आई हूं, मेरे आंखों में पानी सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं कांग्रेस की बेटी हूं, लेकिन वहां पे सिर्फ पानी और आंखों में पानी और दिल में दर्द लेके मैं वहां की महिलाओं को देख रही हूं कि किस तरह उनके आरोग्य नीचे और नीचे और इतने नीचे जगह पर पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र है, आरोग्य के केंद्र है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है। किसी को ये पड़ी नहीं है कि ये औरतें किस तरह अपना घर चलाती है, जहां पे लोगों को बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके घर के बच्चे, उनके शायद पति, और ऐसे घर में सबसे पहले इस औरतों की आरोग्य के ऊपर सारी चीजें जो आती है वहां आके ठप हो जाती है। त्यामुळे महिलांनो, तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा जाग्या व्हा, बाहेर या आणि तुमच्या बरोबर तुमच्या इतर भगिनींना सांगा की हा वेळ आलेला आहे की आपल्याला सुद्धा एक पाऊल पुढे घेऊन गेलं पाहिजे। मला खूप गर्व आहे या गोष्टीचा, आनंद आहे या गोष्टीचा की मी अशा एका पार्टीतनं उभी राहिले की जे फक्त बोलायला 33% आरक्षण वगैरे बोलत नाहीत, तर मी प्रियाजी आणि अनेक अशा मुली, मला केरळातल्या एका मुलीची अशी गोष्ट माहिती आहे की जी एका मजुराची मुलगी आहे, तिचे वडील डेली वेज वर्कर आहेत, आणि अशा मुलीला राहुलजींनी तिकीट दिले, तिच्याकडे पैसे सुद्धा नाही आहेत, एक निवडणूक लढवायची पण तिला तिकीट दिले गेलेले, आणि पक्ष तिच्या निवडणुकीचा सगळा खर्च उचलणार आहे। त्यामुळे बोलणारी लोक वेगळी असतात आणि करणारी लोक वेगळी असतात। आणि शेवटचं, 60 वर्षात जर काँग्रेसने काही केलं नसतं, तर 2014 ह्यांनी जी आश्वासनं दिली, खोटी आश्वासनं दिली, ती त्यांना देता आली नसती। इसको मैं जरूर हिंदी में दोहराऊंगी, अगर 60 और 70 बरसों में कांग्रेस पार्टी में वाकई जैसा ये कह रहे हैं वैसे कुछ किया नहीं होता, तो 2014 में जो गगन को चूमने वाले वायदे इन्होंने किए वो कर नहीं सकते थे, वो उसी बलबूते पर किए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी अपने देश को वहां पर रख चुकी थी जहां पर वो देश को लेकर जाना चाहती थी। और हमारे नए मैनिफेस्टो के साथ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, ऐसा मैनिफेस्टो कि जो सिर्फ जुमलेबाजी के लिए नहीं, बहुत बहुत जानकार और तज्ञ लोगों को अपने साथ लेकर बनाए गए हैं। ऐसे मैनिफेस्टो को हम जैसे लोग दिल में उम्मीद लेकर और अपने एक्शन के बलबूते पर इसे साथ में और आपका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ युवाओं का साथ चाहते हैं, और हम और आप मिलकर उस विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां ये सारे सवाल पूछे नहीं जाएंगे। इन छोटी चीजों को बाजू में रखकर आप और मैं कंधे से कंधा मिलाकर देश को सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर लेकर जाएंगे। माफ कीजिए नाना, बोलते बोलते मैंने तो काफी कुछ बोल दिया। खैर, आपने मेरी बातें भी उतनी ही शांति से सुनी, प्यार से सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे बारे में सब कुछ बोल रहे हैं, मेरा हमेशा एक ही उन्हें जवाब है कि स्टार मैं नहीं हूँ, लोकतंत्र में एक ही स्टार होता है, और वो आप में से हर कोई यहाँ मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति होता है, क्योंकि लोकतंत्र ने उसे स्टार बनाया है और उसे वो पावर दिया है जो है उसका मत, उसका वोट। सो आप स्टार बने रहिए और हमारे लोकतंत्र को अगले और नए दिशा की ओर लेकर चलिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।